इलेक्शन चुनाव हो रहा है। इस बार मतदाता की संख्या 173,741 है। कुल 279 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान का समय जो पांच ब्लॉक हमारे हैं, चार जो मैंने अभी बताया और पांचवा एक रफीगंज, इसमें मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक है। वोटों की गिनती हम लोग दूसरे दिन करेंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती प्रारंभ होगी सभी प्रखंड मुख्यालय में। प्रखंड मुख्यालय में कुछ किसी स्कूल को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पर इजीली ये काम हो सके। काउंटिंग हॉल भी बनाया गया वहीं पर और स्ट्रांग रूम भी उसी स्कूल में बनाया गया है। इसमें जो जिस पद के लिए निर्वाचन होना है उसमें एक पद होता है अध्यक्ष का, वो होता है अनारक्षित अनरिजर्व। प्रवीण समिति के 11 सदस्य लोग होते हैं, सामान्य 5, इसमें 2 पद महिला के लिए आरक्षित होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2, उसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित होती है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2, उसमें 1 पद महिला के लिए आरक्षित होती है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2, उसमें 1 वर्ग महिला के लिए आरक्षित 1 पद महिला के लिए आरक्षित होती है। हम लोगों ने जो अभी तक प्लान किया है उसके हिसाब से 16 मतगणना टेबल हमारे लगेंगे प्रत्येक प्रखंड में। सब जगह हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगाया है, 8-8 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लग रहे हैं सभी 4 प्रखंड में। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी रहेगी, PCCB जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें 27, देव में, कुटुंबा में 16, नवीनगर में 21, मदनपुर में 27 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स रहेंगे हमारे। अकॉर्डिंगली बूथ के अनुसार हमारी पोलिंग पार्टी भी रहेगी। जैसे कि देव की मैं बात बताऊं तो देव में प्रस्तावित मतगणना स्थल जो हमारा है वो है राजा जगन्नाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय देव। कुटुंबा में है हमारा +2 उच्च विद्यालय चिल्हकी अम्बा। नवीनगर में हमारा है उच्च विद्यालय नवीनगर। मदनपुर में प्रखंड कार्यालय मदनपुर का स्वर्ण जयंती भवन हॉल। पिछले बार भी विपक्ष का इलेक्शन हुआ था, हम लोगों ने इन्हीं भवनों में से लगभग मतगणना कार्यक्रम की संपन्न किया था, इस बार भी हम लोगों ने उसी को जोड़ा है। बाकी जो लॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से जो तैयारियां करनी थी हम लोगों ने तैयारियां की हैं और हमारे पास पुलिस बल भी सफिशेंट रहेंगे। हम लोगों का प्रयास होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारे पुलिस बल मौजूद रहें। हमारे तरफ से इतना ही।